पीएम डिग्री विवाद पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है, जहां केजरीवाल के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी ने पीएम की डिग्री सार्वजनिक की और केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की ओर से जारी की गई डिग्री पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर जारी सियासी संग्राम मंगलवार को और तेज हो गया। केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीएम की बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक की। इस दौरान शाह ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ, और 78 में उन्होंने एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से उसी प्रकार से एमए किया। बीजेपी के मुंह तोड़ जवाब के बाद आम आदमी पार्टी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही आपके नेता आशुतोष सबके सामने आए और उन्होंने डिग्रियों पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें फर्जी करार दे दिया। आशुतोष ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो डिग्री बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिखाई है वह फर्जी है। बीए और एमए की डिग्रियों में पीएम मोदी के नाम में अंतर है। नाम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। पेश मार्कशीट 1977 की है लेकिन डिग्री 1978 की है। मार्कशीट पर नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी है, जबकि बीए की डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। साथ ही आप नेता आशुतोष ने पीएम मोदी से मांग की है कि वो झूठ बोलने के लिए जनता से माफी मांगे। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किस आधार पर पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी करार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में अपनी ग्रेजुएशन और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री को लेकर झूठ बोला है। केजरीवाल ने पिछले हफ्ते पीएम की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी थी और इसकी डिटेल वेबसाइट पर डालने की मांग भी की थी। आपका आरोप है कि 1978 में नरेंद्र दामोदर मोदी ने नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर के रहने वाले नरेंद्र महावीर मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। इस मामले में केजरीवाल की मांग के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्री की जानकारी देने का आदेश भी दिया था। तो साफ है कि पीएम डिग्री विवाद पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है और बीजेपी की राह पर निकले केजरीवाल जिस तरह से पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है। देखते रहिए टीवी लाइव।